हेलो एवरीवन, दिस इज मनप्रीत कौर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फैशन डिजाइनिंग फ्रॉम हंसराज महिला महाविद्यालय जलंधर। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलर विद यू, सो लेट्स स्टार्ट। वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन। एज वी ऑल नो, अ कॉलर इज द पार्ट ऑफ अ ड्रेस दैट क्लोजेज अराउंड योर नेक सिक्योरली। इट कैन बी अटैच्ड टू अ शर्ट और अ कोट, ब्लाउज और एक्सेट्रा। There are different style of collars based on three basic types of collar. So major इनकी तीन basic types होती हैं जिनकी आगे variations की होती हैं different type of collars की। There is something called neckline on which the collar stand. So आपको सारी necklines का अंदाज़ा आपको पता होना चाहिए कि कौन सी neckline पे कौन सा collar fit होगा। A collar is either permanently attached to the main body of the dress or it can be detachable. सो बेसिकली इन्होंने दो तरीके की हमें बता दी हैं। एक तो परमानेंट अटैच होते हैं कॉलर और दूसरा है डिटैचेबल। परमानेंट कॉलर जैसे होते हैं, शर्ट कॉलर हो गया, जेंट शर्ट, आपके घर में जेंट शर्ट्स होती हैं या लेडीज टॉप होते हैं, तो वो जो सीम के साथ ही फिक्स किया होता है, परमानेंट अटैच होता है, उसको हम परमानेंटली अटैच कॉलर बोलते हैं। बट दूसरा है जो डिटैचेबल, वो टाई की तरह होता है। आपने सिंपल टॉप वेयर किया और उसके बाद वो टाई की तरह उसको वेयर कर लिया ऊपर। यहाँ पे जो फोटोग्राफ है टाइप ऑफ कॉलर्स की, इसमें सेकंड नंबर पे जब बॉट कॉलर बना हुआ है, ये उसी टाइप का है, डिटैचेबल कॉलर। सो देखते हैं, आगे चलते हैं, कौन कौन से टाइप्स, ये तीन मेजर टाइप्स कौन सी हैं कॉलर्स की। सो यहाँ पे हमारे पास शर्ट कॉलर का एक डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पे कॉलर के कौन से पार्ट को क्या बोला जाता है पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहले है बैंड। बैंड इज अ स्ट्राइप ऑफ फैब्रिक दैट मेक्स द कॉलर स्टैंड परपेंडिकुलर टू द बॉडी ऑफ द गारमेंट। द आउटर कॉलर इज अटैच्ड टू द शर्ट। सो बेसिकली शर्ट कॉलर को स्टैंड एंड फॉल कॉलर भी बोला जाता है। और बैंड क्या होता है, एक फैब्रिक का स्ट्राइप जो गले के साथ साथ चलता है, जो बहुत स्टिफ होता है और उसके ऊपर फॉल अटैच हुआ होता है। अगर आप जेंट शर्ट्स को ध्यान से देखो तो दो पार्ट्स में ये कॉलर बना होता है, एक जो बिल्कुल खड़ा खड़ा रहेगा गले के साथ साथ और दूसरा पार्ट जो नीचे को गिरता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कॉलर स्टिफनर्स। कॉलर स्टिफनर इंसर्टेड इनटू द बैंड टू मेक द बैंड स्टैंड। स्टिफनर्स का मतलब क्या है कि कॉलर को स्टिफ रखने के लिए उसमें कुछ पेस्टिंग्स, उसमें कुछ फ्यूजिंग्स यूज की होती हैं ताकि जो बैंड है वो गिरे नहीं, सॉफ्ट ना हो जल्दी। एंड उसके बाद है पॉइंट्स। सेकंड बटन के पास आप देख सकते हो पॉइंट है लेफ्ट हैंड साइड पे। पॉइंट्स आर द कॉर्नर ऑफ अ कॉलर सम टाइम्स बटन डाउन और लेफ्ट फ्री टू हैंग। पॉइंट्स कई बार जेंट्स रेडीमेड शर्ट्स होती हैं उनके पॉइंट्स पे छोटे छोटे बटन्स लगे होते हैं ताकि ये पॉइंट्स ऊपर ना उठ सकें। बट नॉर्मली फॉर्मल शर्ट्स में ऐसी डिजाइनिंग नहीं देखने को मिलती। एंड लास्ट है स्प्रेड। स्प्रेड भी वही सेकंड बटन के ऊपर आप डॉटेड लाइन देख सकते हो, वहाँ पे आपने आपको स्प्रेड मिल जाएगा लिखा हुआ। स्प्रेड इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ अ शर्ट कॉलर, कि शर्ट कॉलर के दोनों पॉइंट्स हैं उनमें कितना डिफरेंस रखना है हमने, डिस्टेंस कितना रखना है, वो बड़ा होना चाहिए डिस्टेंस या ज़्यादा या कम, ये डिपेंड करता है डिज़ाइनिंग के ऊपर। Then basically there are three collar types based on the position and size of the band. So first type कौन सी है, stand collar, second type flat collar और third type है roll collar. Stand collar जैसे मैंने अभी आपको पीछे explain किया, और जो खड़े खड़े रहते हैं उनमें pastings और fusings डाली होती हैं, वो collars होते हैं। The standing collars fit up to the around neck with stiff standing band, not lying on the shoulders. एंड सेकेंड टाइप है फ्लैट कॉलर्स। ये जो शॉल कॉलर्स होते हैं, पीटर पैन कॉलर्स होते हैं, शोल्डर के ऊपर गिरे होते हैं, वैसे कॉलर्स होते हैं, ये स्टैंडिंग कॉलर के जैसे लुक नहीं देते। थर्ड वन इज़ रोल कॉलर। दिस टाइप स्टैंड्स अराउंड द नेक एंड देन फोल्ड्स और रोल ओवर। ये नेक के साथ अटैच हुए होते हैं और देन फोल्ड होके, रोल होके बाहर की तरफ को लुक देते हैं। आगे होगा रोल कॉलर का एग्जांपल, आपको देखने पे तब पता चल जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्ट्रेट कॉलर्स, दीज आर कॉल्ड द बेसिक शर्ट कॉलर। अ शर्ट कॉलर इज द मोस्ट यूज्ड फॉर्मल टाइप ऑफ कॉलर। शर्ट कॉलर इज फाउंड ऑन मेंस शर्ट एज वेल एज ऑन लेडीज ड्रेसेस ऑफ कैजुअल वेयर्स। द कॉलर हैज अ बैंड व्हिच मेक्स इट स्टिफ एंड टाइट अराउंड द नेक।
इट हैज फ्रंट ओपनिंग फिनिश्ड विद द शर्ट प्लेकेट विच कुड बी विजिबल और कंसील्ड। सो ओपनिंग इसकी हमेशा फ्रंट पे होती है, फिनिश होता है शर्ट प्लेकेट के साथ, और ये जो प्लेकेट होती है वो विजिबल भी हो सकती है और कंसील्ड भी। विजिबल जैसे यहाँ पे शर्ट पे दिख रही है कि प्लेकेट लगी हुई है, और उसकी उसको बंद करने के लिए बटन और बटन होल्स का यूज़ किया गया है। पर जो कंसील्ड होती है, जैसे कि शेरवानीज में होती है, हमें कुछ विजिबल नहीं होता, ऊपर प्लेन सरफेस होता है, उसको हम कंसील्ड प्लेकेट बोलते हैं। सो देयर आर डिफरेंस बिटवीन विजिबल और कंसील्ड प्लेकेट एंड स्ट्रेट कॉलर्स आर ऑल्सो नोन एज स्टैंड एंड फॉल कॉलर्स। नेक्स्ट है हमारे पास पीटर पैन कॉलर्स। पीटर पैन कॉलर इज यूजली सीन ऑन चिल्ड्रन क्लोज ऑफ कैजुअल एंड फॉर्मल वेयर्स। इट मे बी वन पीस और टू पीस। द स्लिट और एन ओपनिंग कैन बी इन द फ्रंट और द बैक, यूजली सीन ऑन चिल्ड्रन क्लोज एज द कॉलर कैन इवन बी रेज्ड अबव द शोल्डर्स। दीज आर राउंडेड एज्ड कॉलर विच आर मोस्टली यूज फॉर सेमी फॉर्मल ओकेजन्स। द कॉलर सिट्स अटॉप इन द बटन डाउन ब्लाउजेज। यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है और एक लेडीज है, दोनों ने पीटर पैन कॉलर ही वियर किया हुआ, बट दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? ओपनिंग का जो डायग्राम है उस पे ओपनिंग फ्रंट पे हुई हुई है, बट यहाँ पे लेडीज ने जो टॉप डाला हुआ है उस पे फ्रंट पे कोई स्लिट, कोई कट, कोई प्लेकेट नहीं यूज की हुई। इसका मतलब इसकी ओपनिंग बैक पे है। सो पीटर पैन कॉलर की ओपनिंग कहीं पे भी कर सकते हैं, या तो फ्रंट पे कर लो या बैक पे कर लो, ये आपकी चॉइस होती है। थर्ड वन इज चेल्सिया कॉलर। चेल्सिया कॉलर इज सीन ऑन द फॉर्मल वेयर गारमेंट्स ऑफ लेडीज एंड चिल्ड्रन। इट हैज टू लॉन्ग कॉलर्स अराउंड अ वी नेकलाइन। द फ्रंट एंड द बैक ऑफ द कॉलर आर द सेम। जैसे फ्रंट पे इसकी लुक आएगी वी नेक लाइन पे लगे हुए कॉलर की, वैसे ही बैक पे भी, बैक का नेक भी वी में कट होगा। इंट्रोडक्शन में मैंने आपसे बात की थी कि आपको पता होना चाहिए कौन से नेक लाइन पे कौन सा कॉलर लगता है, सो ये वी नेक लाइन पे कॉलर फिट होगा। फोर्थ वन इज शॉल कॉलर। शॉल कॉलर इज यूजली सीन ऑन द हाउस कोट्स वॉर्न बाय बोथ द सेक्सेस। द कॉलर इज रेज्ड अबव द शोल्डर्स एंड वन पार्ट ओवरलैप द अदर। इट इज ब्रॉड नियर द शोल्डर्स एंड टेपर बिलो। सो शॉल कॉलर दोनों पहन सकते हैं, मेल और फीमेल। द कॉलर रेज्ड अबव द शोल्डर्स एंड वन पार्ट ओवरलैप्स द अदर। एक पार्ट नीचे आता है और दूसरा पार्ट ओवरलैप होके देन क्लोजिंग होती है इसकी। इट इज ब्रॉड नियर द शोल्डर्स। शोल्डर्स के ऊपर से ब्रॉड होगा और नीचे को आते आते ये पतला हो जाएगा, जैसे इस लेडीज ने श्रग में पहना हुआ है। ये शॉल कॉलर की टाइप है। फिफ्थ वन इज केप कॉलर। केप कॉलर इज यूजली फाउंड ऑन द ड्रेसेस ऑफ फीमेल चिल्ड्रन, मतलब बेबी गर्ल्स होती हैं एंड वुमेन। द विड्थ ऑफ द कॉलर इज सेम थ्रू आउट। इट हैज अ प्लेन राउंडेड बैक विद एन ओपनिंग इन द फ्रंट। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ओपनिंग फ्रंट पे है, बट डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग हम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे इस लड़की ने टॉप पहना हुआ है, यहाँ पे फ्रंट पे ओपनिंग नहीं है, बट सेम एज जैसे पीटर पैन कॉलर होता है वैसा ही होगा। पीटर पैन कॉलर की ही काइंड है, बट ये शोल्डर्स को कवर कर देता है, शोल्डर को बहुत, शोल्डर से भी बाहर जाता है। पीटर पैन कॉलर की विड्थ बहुत थोड़ी होती है, बस केप कॉलर की विड्थ थोड़ी ज्यादा होती है और बैक से पूरा राउंड में आता है। ये वन पीस कॉलर होगा, जैसे पीटर पैन टू पीस कॉलर होता है। नेक्स्ट वन इज कोट कॉलर। कोट कॉलर इज अ स्टिफ कॉलर रेज्ड अबव द शोल्डर लाइन। इट इज सीन ऑन द कैजुअल एंड फॉर्मल वेयर कोट्स वॉर्न बाय बोथ द सेक्सेस। वन पार्ट ऑफ द कॉलर इज एन एक्सटेंशन ऑफ द बॉडीज, मतलब एक हिस्सा जो कॉलर का होता है वो बॉडीज को एक्सटेंड करके बनाया होता है, बॉडीज की एक्सटेंशन होती है। एंड द अदर इज एन इंटरफेसिंग की, इंटरफेसिंग मतलब अंदर वाली साइड पे जो हम अलग से कपड़ा लगाते हैं उसको हम इंटरफेसिंग बोलते हैं, और फोल्ड होके वो बाहर की कॉलर की शेप में हमें दिखाई देता है। जैसे यहाँ पे ब्लैक कलर का ब्लेजर पहना हुआ है, सो ब्लैक कलर का जो कपड़ा है वो बॉडीज है, बॉडीज का पार्ट है और उसको एक्सटेंड किया हुआ है, बट इंटरफेसिंग है जो रेड कलर की लगाई है और वो फोल्ड होके बाहर को कॉलर की शेप में हमें दिखाई दे रही है। सो बेसिकली ये है कोट कॉलर।
नेक्स्ट है हमारे पास टर्टल नेक कॉलर। टर्टल नेक कॉलर हैज द शेप ऑफ चाइनीज कॉलर एक्सेप्ट दैट इट इज कट ऑन द बायस ग्रेन। चाइनीज कॉलर की जैसे लुक देता है बट इसमें कोई कट नहीं होता सेंटर में, और ये जो इसकी कटिंग होती है वो बायस ग्रेन में होती है, ये स्टिफ नहीं होता और ये डबल फैब्रिक का बनता है। यूजली फाउंड ऑन फीमेल चिल्ड्रन एंड लेडीज गारमेंट ऑफ कैजुअल एंड फॉर्मल वेयर, दिस इज ऑल्सो नोन एज हाई बायस कॉलर। और इसकी अगर विड्थ हम कम कर दें तो ये लो बायस कॉलर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास येलो कॉलर। इट इज़ अ क्वाइट इन फैशन फॉर देयर डबल स्क्वेयर पैनल एंड मिडल वी नेक अपील। सेलर्स कॉलर इज यूजली सीन ऑन मेल चिल्ड्रन क्लोथ्स। द कॉलर हैज़ अ स्क्वेयर और रेक्टेंगुल फ्लैप एट द बैक। जैसे ये डायग्राम में आपने को दिखाया होगा, बैक व्यू पे स्क्वेयर शेप में एक फ्लैप होता है जो बैक की तरफ होता है, और फ्रंट ट्राई एंगुलर कॉलर्स आर टाइड अप टुगेदर इन अ नॉट। और जो फ्रंट का हिस्सा है उसको हम वो नॉट की तरह में एक दूसरे को जुड़ता है और नॉट लगती है। दिस कॉलर इज ऑल्सो सीन ऑन द यूनिफॉर्म ऑफ सेलर्स। यूजली द कलर ऑफ द कॉलर कंट्रास्टिंग टू द कलर ऑफ ड्रेस। जो ड्रेस का कलर है बेसिकली वो अलग होता है, और कॉलर का कलर है जो वो हम डिफरेंट कलर का बनाते हैं ताकि वो हाईलाइट हो सके। सो नेक्स्ट है हमारे पास मैंडरिन कॉलर। दीज आर चाइनीज इंस्पायर्ड कॉलर्स एंड दे आर ऑल्सो नोन फॉर देयर स्टैंडिंग चार्म। द फ्रंट ऑफ द मैंडरिन कॉलर माइट बी स्क्वेयर्ड और कर्व्ड इन द शेप गिविंग द शर्ट अ क्लोज एंड स्ट्रक्चर्ड फिटिंग। सो ये यहाँ पे शेप है जो वो राउंड भी हो सकती है, स्ट्रेट भी हो सकती है जहाँ पे कॉलर खत्म होता है। इट इज राउंडेड स्टिफ कॉलर विद एन ओपनिंग। देयर कैन बी अ वेरिएशन इन द ओपनिंग। ओपनिंग हो तो होती होती है इसमें, वो फ्रंट पे ही ओपनिंग होगी, पर इसकी ओपनिंग्स में वेरिएशंस हो सकती हैं। जैसे फर्स्ट पे मेल ने शर्ट पहनी हुई है, उस पे अगर आप कॉलर में ध्यान दो तो सेंटर में स्पेस है, दोनों कॉलर एक दूसरे में जुड़ नहीं रहे, टच नहीं हो रहे, और नीचे प्लैकेट है, प्लैकेट बंद हो रही है। नेक्स्ट डायग्राम है जो उस पे कॉलर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है और बटन देन बंद हुआ, बटन के साथ कॉलर बंद हुआ है, उसके बाद प्लैकेट्स बंद हुई हैं। और थर्ड वन है लेडीज ने टॉप पहनी हुई है, वो कॉलर में एक दूसरे के में बहुत स्पेस है बट योक के बाद ये ओपनिंग बंद हो रखी है। सो तीनों ओपनिंग्स में बहुत सारा फर्क है। दिस इज यूजली सीन ऑन द फीमेल गारमेंट्स। मेन्स ऑल्सो वेयर दिस कॉलर ऑन सफारी सूट्स एंड अचकन्स। द मैंडरिन कॉलर इज द मोस्ट यूज्ड अमंग द टाइप ऑफ कॉलर ऑन ड्रेसेस। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लैट कॉलर्स। दीज कॉलर्स फॉल फ्लैट ऑन द ड्रेस अराउंड द नेक लाइन एंड आर प्लेन इन देयर लुक। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लैट टेनिस कॉलर विच रिजेंबल्स आर शर्ट कॉलर इन ऑल रिस्पेक्ट एक्सेप्ट दैट इट लेज फ्लैट ऑन द शोल्डर बिकॉज इट इज डिवॉइड ऑफ द स्टिफ बैंड। सो ये आपको नॉर्मली मिल जाएगा, जो हमारे पास स्पोर्ट्स टी शर्ट्स होती हैं उनमें ये कॉलर लगे होते हैं। शर्ट कॉलर की तरह ही दिखते हैं बट ये शर्ट कॉलर से अलग कैसे होते हैं कि इसमें कुछ स्टिफ बनाने के लिए इसको कोई बुकरम, कोई पेस्टिंग, कोई फ्यूजिंग नहीं ऐड करते, सिंगल फैब्रिक का ही जो रिब होती है उससे ये कॉलर बना होता है। इट इज पॉपुलरली सीन ऑन शर्ट वॉर्न बाय मेन, वेमेन एंड चिल्ड्रन। तीनों की किसी भी टी शर्ट्स में आपको ये दिख सकते हैं। देयर विल बी नो कॉलर स्टैंड, या इस पे कोई अलग से कॉलर स्टैंड नहीं होता, हैंस दे फॉल ऑन टू द शोल्डर्स, शोल्डर्स के ऊपर ये गिरा होता है। काउल कॉलर। एक्स्ट्रा क्लोथ विच इज एन एक्सटेंशन ऑफ नेकलाइन क्लोथ इज गैदर्ड एट द सेंटर फ्रंट। इट गिव्स आ दुपट्टा लाइक लुक। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है बॉडीज का, वो जब हम एक्सटेंड करते हैं, उसकी एक्सटेंशन करते हैं, तो वो गैदर्स की शेप में सेंटर फ्रंट पे लुक ऐसे देते हैं जैसे कि दुपट्टा ड्रेप किया हो। दिस नेकलाइन इज यूजली सीन इन लेडीज गारमेंट ऑफ फॉर्मल वियर। द काउल वॉज ओरिजिनली अ हुड और हुडेड गारमेंट वॉर्न मेनली बाय मॉन्क्स। द सेंटर फ्रंट ऑफ अ काउल मस्ट ऑलवेज बी प्लेस्ड ऑन द ट्रू बाइज। इट्स फाउंडेशन कैन बी हाई, मीडियम और लो। जब भी इसको कट करना हो, इसको ट्रू बाइस पे कट करना चाहिए, तभी इसकी फॉल अच्छी आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। इट फाउंडेशन कैन बी हाई, मीडियम और लो। और इसकी जब कटिंग करनी है, ये डिपेंड करता है कि आप कैसे कर सकते हैं, इसके जो काउल्स है आपने ज़्यादा रखने हैं, कम रखने हैं या मीडियम पे रखने हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास रिंग कॉलर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ कन्वर्टिबल कॉलर। इट इज बेसिकली अ ज्वेल नेकलाइन विद द स्लिट। इट इज सीन ऑन कैजुअल वेयर गारमेंट्स वॉर्न बाय चिल्ड्रन, लेडीज एंड ऑल्सो मेन। पुराने टाइम पे अगर आप देखो, इंग्लिश मैन होते हैं जो वो ऐसे शर्ट्स पहनते थे जो टेल जैकेट्स के साथ, टेल कोट्स होते हैं ना उनके साथ पहनते थे, और यहाँ पे कॉलर में बो अटैच करते थे, बो टाई करते थे, उसके लिए ये बेसिकली डिजाइन हुआ है कॉलर। तो नेक्स्ट है हमारे पास रोल्ड कॉलर। हमने इंट्रोडक्शन में जब तीन टाइप्स पढ़ रहे थे कॉलर की, बेसिक थ्री टाइप्स, स्टैंड, फ्लैट एंड रोल कॉलर, ये उसी की टाइप है। दीज कॉलर स्टैंड अपराइट एट द हेज ऑफ द नेक एंड द रेस्ट फोल्डिंग डाउनवर्ड्स। जो कॉलर होता है वो नेक लाइन के साथ अटैच करते हैं और जो बाकी का हिस्सा है वो बाहर को फोल्ड हो जाता है, इसलिए इनको रोल्ड कॉलर बोलते हैं। 14th नंबर पे है हमारे पास डिटेचेबल कॉलर। दीज आर नॉट अटैच परमानेंटली टू द बॉडी ऑफ द गारमेंट बाय स्टिचिंग। ये स्टिचिंग के साथ, जैसे हमारे पास बाकी कॉलर्स होते हैं पक्के फिक्स कर देते हैं परमानेंटली, ये वैसे नहीं होते। डिटेचेबल कॉलर्स आर अवेलेबल सेपरेटली टू यूज देम ऑन डिफरेंट गारमेंट्स। सो डिटेचेबल कॉलर्स का मेन मोटिव क्या है कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेसेस के ऊपर एक कॉलर यूज कर सकते हो। आपके पास दो टॉप हैं, दो ड्रेसेस हैं, आप सेम कॉलर आप डिफरेंट ओकेजन्स पे वो वेयर कर सकते हैं। यहाँ पे फोटोग्राफ्स में आपके पास यहाँ पे तीन चार डेमोज हैं कि कॉलर कैसे कैसे हो सकते हैं ऐसे, और ये यहाँ तो इसके पीछे रिबन्स लगे होते हैं जो आपको नॉट करने पड़ेंगे, टाई करने पड़ेंगे, या कुछ फास्टनर्स होते हैं लगे हुए जिनको आप इजीली वेयर कर सकते हो बंद करके। आप बाद में वॉशेबल भी होते हैं, नेट के होते हैं, बीडेड होते हैं, बहुत टाइप के कॉलर्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास बैरथा कॉलर। दीज आर लार्ज राउंड एंड फ्लैट शेप कॉलर अराउंड द लो वी नेक कट। दे गिव अ सोफिस्टिकेटेड ऑन गाउन्स एंड कैन गेम अप योर एवरीडे कैजुअल फॉर्मल। ये बहुत बड़े जो नेक लाइन होते हैं, ब्रॉड होते हैं, उन पे लगती हैं, फ्रिल टाइप होते हैं ये, और फ्लैट होते हैं हमेशा। इनमें हम गैदर्स भी डाल सकते हैं, प्लीट्स भी डाल सकते हैं, या एज इट इज ऐसे प्लेन फैब्रिक जो सर्कुलर में कट हो वैसे भी ये कॉलर लगा सकते हैं। एंड लास्ट है हमारे पास जबोट कॉलर। जबोट कॉलर आर मेड विद लेसेस। दीज आर रफल्स फॉलिंग ओवर द ब्रेस्ट फ्रॉम द नेक। दे आर ऑल्सो अवेलेबल इन अ लॉट ऑफ डिटेचेबल फॉर्म्स। बहुत सारी रफल्स, बहुत सारी फ्रिल्स होती हैं जो लेसेस के साथ भी बनी हो सकती हैं, उसके अलावा जो पतले स्टफ होते हैं फैब्रिक्स के उनके साथ भी बनी हो सकती हैं। ये नेक लाइन के साथ अटैच होती हैं और नीचे ब्रेस्ट के ऊपर वेस्ट की तरफ को फॉल होती हैं, नीचे को गिरी होती हैं। सो ये अटैचेबल भी हो सकती हैं, परमानेंट अटैच्ड हो सकती हैं नेक लाइन के साथ, कॉलर के साथ, बट ये डिटैचेबल फॉर्म्स में भी आपको मिल जाएंगी। इंट्रोडक्शन में हमने कुछ डिस्कस किया था जब डिटैचेबल कॉलर्स का वो फोटोग्राफ में सेकंड नंबर पे था जो कॉलर, वो जबॉट कॉलर ही था। सो आज हमने इतने सारे डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलर्स पढ़े। आपने ये कॉलर्स आई एम श्योर आपने देखे होंगे, आपने पहने भी होंगे कई कॉलर्स, पर आपको इनके नाम नहीं पता होते कि एग्जैक्ट इसका नाम, इस कॉलर का नाम क्या है, वो कॉलर मैंने देखा उसका नाम क्या है। छोटी सी डिजाइनिंग में चेंजेस हो जाएं तो वो पूरा कॉलर का नाम चेंज कर सकता है। आई होप आपको ये लेक्चर सुन के फ़ायदा होगा और आप ट्राई करेंगे इसको स्केच करने का, प्लस इसको याद करने का। थैंक यू।